नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों साक्षी बनते हैं पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा की। तो दोस्तों आज रथ यात्रा का पहला दिन है और आज हम आपको लेकर के आए हैं पूरी जगन्नाथ यात्रा। तो चलते हैं सीधा यात्रा की तरफ। हरि बोल जय जगन्नाथ, हरि बोल जय जगन्नाथ के गुंजायमान हो रहा है आज उड़ीसा राज्य का पुरी शहर, जहां पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बना हुआ है और वहीं से निकलती है भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। आज उसी रथ यात्रा को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। तो दोस्तों बने रहना मेरे ब्लॉग पर और देखते हैं जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का पहला दिन है। 25 लाख लोग साक्षी बन रहे हैं इस रथ यात्रा को देखने के लिए। देश विदेश से बहुत से लोग आते हैं इस रथ यात्रा को देखने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहां गर्मी को कम करने के लिए, भक्तों को दिक्कत न हो, पानी की बौछारें किया जा रहा है। और इस समय अभी रथ यात्रा पहला दिन है तो मंदिर के पास में ही है। भक्तों का हुजूम जिधर देखो, हरि बोल हरि बोल, जय जगन्नाथ के ही उद्घोष हो रहे हैं दोस्तों। हरे और लाल रंग का आपको जो रथ दिख रहा है दोस्तों, ये है बड़े भाई बलराम का, जो कि सबसे आगे नेतृत्व करते हुए चलते हैं। इसके बीच में बहन सुभद्रा का होता है और लास्ट में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, जैसा कि आप देख रहे हो। विश्व की सबसे बड़ी रथ यात्रा जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा होती है दोस्तों। इसको देखने के लिए हजारों लाखों या इस समय 25 लाख लोग उड़ीसा में हैं, जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों। हर कोई भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लालायित है और इतनी भीड़ में इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे सामने से रथ निकले और हम भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करें। तो दोस्तों ये एक बहुत ही स्वर्णिम अवसर होता है क्षेत्रवासियों के लिए। देश विदेश से भी बहुत लोग आते हैं देखने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पर इतनी भीड़ है कि लोग भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए एक दूसरे को धक्का लगाते हुए चल रहे हैं, जैसा कि आप इस समय देख रहे हो। ये है दृश्य जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का पहला दिन हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो दोस्तों अब आगे का काम आपके लिए बचता है। हमारी भक्ति को शक्ति दीजिए और अपने खास भक्ति परायण दोस्तों के पास इसको शेयर करना, ताकि उन्हें भी जगन्नाथ यात्रा का पुण्य फल मिले। और दोस्तों आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो इसको कर देना लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों यहाँ पर रथ यात्रा पर भगवान जगन्नाथ का प्रसाद खिचड़ी बनता है, वही खिचड़ी बटती भी है। जो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं उनको ये प्रसाद मिल जाता है। तो दोस्तों अभी आप हमारे साथ देखा पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा। अब अगले दिन दूसरी रथ यात्रा दिखाएंगे।